इतवार को बड़ा सरप्राइज आएगा, सारी गेम पलट जाएगी। तहरीक अदम एतमाद, बड़ी साजिश, मेरी जान को भी खतरा है। ऑपोजिशन की जानिब से किरदार कुशी की मुहिम भी शुरू की जा सकती है। डरूंगा नहीं, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। 7 मार्च को मिलने वाले धमकी आमेज खत का मामला OIC कॉन्फ्रेंस के बाएस अल्तवा में रखा। वज़ीर आज़म की दुनिया न्यूज़ के एंकर पर्सन कामरान शाहिद और अजमल जामी से गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार की छुट्टी, सियासी समझौता करार। अदम एतमाद, इस्तीफा या इलेक्शन। एस्टेब्लिशमेंट ने 3 ऑप्शन दिए। मैंने कहा नए इंतखाबात बेहतरीन तरीका है, इस्तीफे का सोच भी नहीं सकता। अपोजिशन की तहरीक नाकाम हुई तो कबल इस वक्त इलेक्शन होंगे, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बैरूनी कुवतों को हमें कंट्रोल करने के लिए करप्ट लोग दरकार। साजिश का आइडिया अगस्त से ही हो गया था। मुरास्ते में कहा गया अगर इमरान खान जीत गया तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मुल्की मामलात में इससे ज्यादा मुदाखलत क्या होगी? वज़ीर आज़म का इंटरव्यू। हमें बड़ा नाराज हो के एक हमारे बड़े ताकतवर मुल्क कहा जी आप रशिया क्यों चले गए। एक मुल्क को कह रहे हैं कि आपने रशिया का दौरा क्यों किया। कल हमारे जिन्होंने अचकन सलवाई हुई है वो इंटरव्यू दे रहे थे जी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए, इन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे। रूस का दौरा करने पर ताकतवर मुल्क हमसे रूठ गया। अचकन सिलवाने वाले कहते हैं अमरीका को नाराज नहीं करना चाहिए, इन लोगों की वजह से ही पाकिस्तान इस हाल को पहुंचा। क्या हुकूमत हटाने के लिए कोई ऐसी धमकी दे सकता है? आजाद खारजा पॉलिसी के बगैर अपने लोगों की हिफाजत नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब। इमरान खान ये कह रहे हैं कि बैन अल-अक़वामी साजिश हुई है। खत आप कहते हैं 7 तारीख को आया तो आपने 3 हफ्ते कहाँ गुजार दिए, क्यों चुप रहे आप? आपको तो फौरन इसके ऊपर वावेला करना चाहिए था। पहले कहा कि अमेरिका और उसके बाद कहा नहीं 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 वो तो मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा था, वो और बात कर रहा था। OIC कॉन्फ्रेंस में आपने अमेरिका के डेलीगेशन क्यों दावत दी आपने? कुछ खुदा का खौफ करें, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आखिरी आपका ये घटिया, आपका ये आपका भोंडा, आपके ये हथकंडा है। बैरूनी साजिश की बातें झूठ। खत 7 मार्च को आया तो 3 हफ्ते खामोश क्यों रहे? इमरान नियाजी किसको बेवकूफ बना रहे हैं? 3.5 साल के दौरान ओपोजिशन से बदतरीन इंतकाम दिया गया। इनके एहतसाब का बयानिया दम तोड़ चुका है। इतवार के रोज शिकस्त देंगे। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेटर का शोशा है, ये एक कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम को एक ट्रक की पत्ती के पीछे लगाया जाए। वज़ीर आज़म साहब कोई सेफ एग्जिट ढूंढने के बजाय एक ऑनरेबल तरीके से इस प्रोसेस का मुकाबला करें। संडे वोटिंग है और उस वक्त तक हम उम्मीद रखते हैं कि कोई गैर जमहूरी कदम नहीं अपनाया जाएगा। धमकी आमेज खत का शोशा, कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ। इमरान खान अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ वो बोलें जिसे लोग सच मान सकें। तहरीक अदम एतमाद को मुतनाजा ना बनाया जाए। वज़ीर आज़म सेफ एग्जिट और बैकडोर तलाश करने की बजाय ऐवान में मुकाबला करें। उम्मीद है कोई गैर जमहूरी काम नहीं उठाया जाएगा। बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बहुत लोगों के ख्वाब चिकना चूर होने हैं, लेकिन जिस तरह से शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म का ख्वाब टूट के किरची किरची होना है बड़े कम लोगों के होने। ये जो शेरवानियाँ से ला के बैठे हुए हैं इनकी शेरवानियाँ टंगी रह जाएंगी जहाँ जहाँ पे टंगी हुई हैं। इनको सिर्फ ये है कि अपने पजामे नहीं मिलने। वालिद साहब इधर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बन गए हैं, बेटा वहाँ पर चीफ मिनिस्ट्री का उम्मीदवार, दोनों जो हैं वो जमानत के ऊपर बाहर हैं। लॉ मिनिस्ट्री का चार्ज मुझे मिल रहा है तो मैं फौरी तौर के ऊपर कल ही शहबाज शरीफ की वो जमानत की कैंसिलेशन दायर करने का कह रहा हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा खत दिखाया जाए तो साथ दूंगा। कल बुलाया गया लेकिन वो नहीं आए।
अब घर बैठे ही वज़ीर-ए-आज़म बन गए। बाप बेटे की जमानतें मंसूख कराएंगे। इतवार को बहुत से लोगों के ख्वाब चकनाचूर होंगे। शेरवानियां भी लटकी रह जाएंगी। फवाद चौधरी की हमात असर और शहबाज गिल के हमरा गुफ्तगु। धमकी आमेज खत पर पाकिस्तान का अमरीका से शदीद एहतजाज। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की रोशनी में सीनियर सिफारतकार की वजारत खारजा तलबी। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर सख्त रद्द अमल। मुरासला भी थमा दिया। अहदे बुज़दार खत्म। गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। पंजाब असम्बली में कायद ऐवान का अहदा खाली। सूबाई काबीना भी तहलील। नए वजीर आला के इंतखाब का मरहला कल से शुरू होगा। इजलास दिन 11 बजे तलब। एतमाद करने पर वजीर आजम का शुक्रिया। आइंदा भी कप्तान के साथ खड़ा रहूंगा। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की कॉपी दुनिया न्यूज पर। कायद ऐवान का अहदा खाली हो चुका। असम्बली नए वजीर आला के इंतखाब के लिए जरूरी कार्रवाई करे। 2 अप्रैल को तलब करदा इजलास में शेड्यूल जारी किया जाए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का असम्बली सेक्रेटेरिएट को खत। अभी पता लगा है कि पंजाब में उन्होंने अपने इजलास तो बुलाया 4 बजे उनका, 5 बजे जो नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करें। अंदाजा करें इतनी कौन सी वो बैन अल-अक़वामी साजिश है जो अब इन्होंने उनको मजबूर कर दिया है कि वो साजिश को नाकाम करने और 20 मिनट में जो कैंडिडेट्स हैं वो वजारत आला के पंजाब में अपने कागजात दाखिल करें। इससे बड़ी धांधली और झुल्लू को हो सकता है। इसमें भी मशावरत होगी अपना पीपल्स पार्टी के साथ, JUI के साथ और साथियों के साथ। उनकी मशावरत के साथ आज हम फैसला करें। पंजाब में वजारत आला के लिए 5 बजे तक कागजात नामजद की जमा कराने का कहा गया। इससे बड़ी धांधली क्या होगी? नए कायदे ऐवान के हवाले से फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से करेंगे। शहबाज शरीफ का रद्द अमल। पंजाब के नए वजीर आला का इंतखाब। नून लीग ने कागजात नामजदगी के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट से रजू कर लिया। खलील ताहिर संधू की जानिब से 5 सीट फराहम करने की दरख्वास्त। नए वजीर आला पंजाब के लिए जोड़ तोड़। हुकूमती इत्तेहाद का बड़ा ब्रेक थ्रू। चीना ग्रुप के 14 MPs ने चौधरी परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया। काफ लीगी रहनुमा से दीगर अरकान की भी मुलाकातें। वजीर आजम के जेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। तहरीक अदम एतमाद और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। कानूनी टीम के साथ भी मुशावरत। मुख्तलिफ आइनी ऑप्शंस पर गौर। इमरान खान की बास रहनुमाओं को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बड़ा अहम है। चाहे इतवार के दिन इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब भी हो जाए, लेकिन इन मुर्दारों से वो नहीं शिकस्त मानेगा। और अगर उसने चौक और चौराहे की सियासत की तो रावलपिंडी का बच्चा बच्चा इमरान खान के साथ खड़ा होगा इंशाल्लाह। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का दिन पाकिस्तानी सियासत में इंतहाई अहम। इमरान खान नाकाम होने के बावजूद डाकुओं से हार नहीं मानेंगे। कप्तान सड़कों पर आया तो रावलपिंडी वाले भरपूर साथ देंगे। शेख रशीद का ऐलान। पाकिस्तान के जिम्मेदार जज के बाद मुल्क में इंतखाबात का ऐलान करेंगे। वजीर दाखला का मुतालबा। अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। शहबाज शरीफ का मुतालबा। नए वजीर आजम के इंतखाब के दिन भी सख्त इकदाम यकीनी बनाने पर जोर। अपोजिशन लीडर का वफाकी सिक्योरिटी दाखिला को खत। कॉपी कमिश्नर DC और IG इस्लामाबाद को भी इरसाल। गैर मुल्की साजिश का ड्रामा अदम एतमाद के जरिए दफन होने के करीब। झूठ मुकम्मल हो गया हो तो अपनी बदतरीन कारकर्दगी का जायजा पेश करें। मुल्क को जाली खत से नहीं आपकी परफॉर्मेंस से ही खतरा है। मरियम औरंगजेब की तनकी।
एम पी ए जुगनू मोहसिन नून लीग में शामिल, वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद यकीनी कामयाब होगी। इमरान खान ने मुल्क के लिए कुछ किया होता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। 3.5 साल सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ होती रहीं, कौम चाहती है अब आप घर चले जाएं। हमजा शहबाज की मीडिया टॉक। आपने इस कौम को भूख के अलावा, घर गिराने के अलावा, बेरोजगारी के अलावा, महंगाई के अलावा कुछ दिया होता तो शायद आज आपके मगरमच्छ के आंसू में कौम भी आपका साथ देती। आज तो कौम खुश है, झोलियाँ उठाकर दुआ करती कि आज आप आज चले जाएं। तहरीक इंसाफ के मुनारिफ अरकान को वजाहत के लिए दिया गया वक्त खत्म, फैसला कुन कार्रवाई शुरू। वजीर आजम ने रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी, जल्द स्पीकर को भिजवा दिए जाएंगे। बाबर आवान की गुफ्तगु। सुप्रीम कोर्ट में फैसल बावड़ा की ताहायात ना अहली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 7 अप्रैल को मामला सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला, तहसील चेयरमैन की 56 नशस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज। तहरीक इंसाफ 25, JUIF 9 सीटों पर फाते। नून लीग के 6, जमात इस्लामी के 3, ANP के 2 उम्मीदवार कामयाब। कौमी वतन पार्टी, मजलिस वहदत मुस्लिमीन और आय हक पार्टी की 1-1 सीट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जलमे खलील जाद की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल। साबिक अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान उमूर की इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। कोरोना की शिद्दत में मुसलसल कमी, 5वीं लहर दम तोड़ गई। 24 घंटे के दौरान 4 अमवात, 180 नए मरीज भी सामने आ गए। सऊदी अरब में रमजान का चांद नजर आ गया, कल पहला रोजा होगा। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हलाल कमेटी का इजलास कल पिशावर में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद सदारत करेंगे। और पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का फैसला कुन मार्का कल शेड्यूल, दोनों टीमें कसाफी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। बाबर आजम ट्रॉफी जीतने के लिए पूरा